एकमात्र ऐसा जगह है अक्षय वट जहाँ पर पिंड का समापन होता है दोस्तों, रुक्मिणी सरोवर, और यहाँ पर खोवे से पिंडदान होता है और यहाँ से ब्रह्म योनि पर्वत साफ नजर आता है दोस्तों। चलिए यहाँ मंगला गौरी से अक्षय वट की यात्रा शुरू करते हैं। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं अक्षय वट जाने का रास्ता, और राइट वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं गो प्रचार वेदी जाने का रास्ता है। यहाँ पर यहाँ मंगला गौरी में भी पिंडदान और पिंड तर्पण होता है। दोस्तों गो प्रचार वेदी जाने का रास्ता इधर से है, सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है। दोस्तों अब हम गो प्रचार वेदी आ गए हैं मंगला गौरी, जहाँ पर पिंड तर्पण और श्राद्ध होता है। अभी हम पता करेंगे कि यहाँ पर श्राद्ध करने का क्या मतलब है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 1.25 लाख गौ को दान दिया था, वही सब गौ का चरण है। गौ दान की परंपरा यहाँ पर क्यों, कब से शुरू हुई? ये भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और गौ दान किया था, ये आशीर्वाद से ये पहाड़ हो गया। बस आप देख रहे हैं यहाँ पर गौ दान ब्रह्मा जी ने किया था, उसके चरण चिन्ह गौ के आज भी मौजूद है, खुर मौजूद है। दोस्तों देख रहे हैं गाय का खुर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। बोलो गया गया तीरे गो प्रचार तीर्थ विश्वेश्वर का पिता अमर पिता तो वैसा ही ले लिया। दोस्तों चलिए यहाँ गौ प्रचार वेदी से अक्षय वट की यात्रा शुरू करते हैं, और यहीं से रास्ता है दोस्तों, हमें वापस नहीं जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ से हमको राइट मुड़ना पड़ेगा, हालांकि आप सीधे से भी अक्षय वट जा सकते हैं। हर हर महादेव। थोड़ी ही देर में अक्षय वट पहुंचने वाले हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं अक्षय वट परिसर में पिंडदान तर्पण और श्राद्ध होते हुए। दोस्तों और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं अक्षय वट जाने का रास्ता।
दोस्तों अब हम अक्षय वट आ चुके हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। गया में कुल 45 बेदी है जहाँ पर पिंड तर्पण श्राद्ध होता है, लेकिन एकमात्र ऐसा जगह है अक्षय वट जहाँ पर पिंड का समापन होता है दोस्तों। और ये पेड़ आप देख रहे हैं बहुत पुराना पेड़ है, काफ़ी रहस्यमय पेड़ है। हम इस पेड़ के रहस्य के बारे में यहाँ के पंडों से जानेंगे। तो चलिए यहाँ अक्षय वट की अद्भुत शानदार यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं बिहार छपरा से लोग आए हुए हैं पिंडदान पिंड तर्पण करने के लिए यहाँ अक्षय वट पर। अच्छा, ये अक्षय वट में जो एक कपड़े बांधे हुए हैं इसका क्या रहस्य है, क्यों बांधे हुए हैं? ये मनोकामना करके बांधा जाता है, ये पुत्र कामना करके, पुत्र के लिए कामना करके यहाँ पर बांधते हैं लोग हैं। जब उनका मन्नत पूरा हो जाता है, साल भर के अंदर भगवान वंश देता है, तो आकर के ये बंधन यहाँ खोलते हैं, बच्चे को यहाँ मुंडन करते हैं। केवल ये पुत्र कामना के लिए ही बांधा जाता है, बाकी पिंडदान वाले देखा देखी ये बांध देते हैं। अच्छा, पुत्र कामना के लिए किया जाता है। तो ये अक्षय वट का महात्म्य क्या है, क्यों इतना लोकप्रिय है? ये सीता का साक्षी वट है। राजा दशरथ को पिंडदान माँ सीता ने दिया, बालू का तीन पिंड सीता कुंड में। गौ ब्राह्मण तुलसी फलगु अक्षय वट पाँच गवाह रखे थे रामचंद्र ने। पांच गवाह में चार गवाह मिथ्या बोल दिया। रामचंद्र जब उस जगह पर आए श्राद्ध करने लगे, उनका पिताजी का हाथ बाहर नहीं हुआ। माँ सीता ने कहा मैंने पिंडदान दे दिया। कहें कि इसका प्रत्यक्ष गवाह कौन है, साक्षी? क्या इसके साक्षी में गौ है, ब्राह्मण है, तुलसी है, फलगु है और बड़ वृक्ष अक्षय वट है। तो चार मिथ्या बोल दिया, इन्होंने सत्य बोला कि माँ सीता को मैंने पिंडदान देते हुए देखा है, हम उसका प्रत्यक्ष गवाह हैं। माँ सीता ने इनको आशीर्वाद दिया, कुछ निकल रहे जाओ, तुम्हारा सभी नाश नहीं होगा, तुम अमर रहोगे, प्रलय में भी तुम्हारा एक पत्ता बचेगा, बाल गोपाल उस पर शयन करेंगे, मार्कंडेय मुनि को दर्शन देंगे, फिर संसार को सीखी रखेंगे, धर्म काम मोक्ष चार वरदान दिया है कि चार वरदान का आप मालिक रहोगे, जो श्रद्धा पूर्वक आपसे मांगना जाचना करेगा उसको आप पूर्ण करोगे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। कहाँ से आए हैं बाबा? प्रयागराज। किसलिए आए हैं? अरे हम यहाँ आए हैं पितरों का पिंडदान के लिए। अच्छा, तो इसे पितरों का मोक्ष मिल जाएगा? अब देखिए, अब यहाँ आए आए तो इसीलिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रयागराज से पिंडदान करने के लिए आए हैं, पिंड समापन के लिए यहाँ अक्षय वट आए हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम गया पितृपक्ष मेला का समापन यहाँ अक्षय वट पर करेंगे और यहीं पर पिंडदान का समापन भी होता है दोस्तों। और इस मौके पर हम आपको खास मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज कि आप गया में तर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए यहाँ आते हैं, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, लेकिन जो जिंदा लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान कौन करेगा? पहले उनका सम्मान कीजिए, तब यहाँ पर पितृ तर्पण के लिए आइए। और दूसरा मैसेज हम आपको देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के, समाज के खुशहाली के लिए आप पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, व्रत त्यौहार करते हैं, पता नहीं तमाम क्रियाकलाप करते हैं, कर्मकांड करते हैं, लेकिन आप तीन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। तीन चीज़ें जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो चीज़ें क्या है हम आपको बताएंगे। पहला है आचार, आपका आचरण सही होना चाहिए। दूसरा है विचार, आपका विचार, आपका थॉट्स अच्छे होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। और तीसरा है व्यवहार, आप किसी से कैसा व्यवहार करते हैं, वो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर वो तीनों चीज़ों आप पर फोकस नहीं करते हैं, आप करोड़ बार पिंडदान करिए, आप करोड़ देवी देवताओं की पूजा कीजिए, उससे आपका फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। आज आप अपने चैनल की जो मुहिम लेकर के यहाँ उपस्थित हैं,
इस गया क्षेत्र के इस पवित्र पावन धरती पर इस वट वृक्ष के नीचे जहां हम लोग खड़े होकर के चैनल के आपके चैनल कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, आपकी मुहिम ये मुहिम कि हमारे बुजुर्ग जीवित हैं तब हम उनकी देखभाल अच्छे से न करके उनके न होने पर उनके मर जाने के बाद उनके एक तरह से उनको श्राद्ध करने के लिए उनको पिंडदान करने के लिए ढेर सारा आडम्बर करते हैं, तो उससे कहीं बहुत अच्छा है कि जब हमारे माता पिता जीवित रहें उस समय मैं उनकी सच्चे मन से सच्चे हृदय से अच्छे से अपने शक्ति पूर्वक उनकी सेवा करूं, उनका मान सम्मान करूं, इससे बड़ा उनके लिए हमारा कोई भी पिंडदान नहीं होगा। सबसे बड़ा पिंडदान यही है कि हमारे माता पिता हमारे बीच में हैं, हम उनकी अच्छे से सेवा करें। आचार विचार व्यवहार की जो आपने बात कही वास्तव में यह एक मूल बात है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसको उतारनी चाहिए। आचार विचार व्यवहार अगर इससे व्यक्ति विमुख है तो फिर वही बात हो जाती है, कुछ भी करने का मतलब नहीं है, वही बात हो जाती है कि एसान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म के मृत्युलोके भूमि भार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। यहाँ वही बात हो जाएगी अगर आचार विचार व्यवहार से हम दो लोग दूर हो जाएंगे तो। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी, नमस्कार। दोस्तों अक्षय वट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रुक्मिणी सरोवर है, सामने आप देख रहे हैं, और यहाँ सरोवर के तट पर पिंडदान होता है, खुआ से पिंडदान होता है। दोस्तों गया में कुल 45 वेदियाँ हैं, उनमें से यहाँ भी वेदी है दोस्तों जहाँ पर पिंडदान और तर्पण होता है। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ रुक्मिणी सरोवर, और यहाँ पर खोवे से पिंडदान होता है क्योंकि यहाँ पर अंतिम पिंडदान होता है दोस्तों, और यहीं से हम ब्रह्मयोनि पर्वत की यात्रा करेंगे, और यहाँ से ब्रह्मयोनि पर्वत साफ नज़र आता है दोस्तों। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ऊँचा पहाड़, यही ब्रह्मयोनि पहाड़ है दोस्तों, और जाने का रास्ता मेन रोड से है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है दोस्तों, यहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा।